यो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू ए ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ GTA 5 गेम प्ले। तो अब तक हमने देखा कि ट्रेवर और माइकल जो है वो आपस में मिल चुके हैं। ट्रेवर लॉस सैंटोस में आ गया है। आपस में मिलने के बाद वो लोग ट्रेसी को ऑडिशंस देने से रोकने के लिए जाते हैं, जो कि बड़ा ही फनी था कैसे उन्होंने सेलिब्रिटीज की धुलाई की। फ्रैंकलिन अभी भी अंडरग्राउंड है और अब देखते हैं हम फ्रैंकलिन क्या कर रहा है। तो हम पहुंच गए हैं फ्रैंकलिन के घर पे। फ्रैंकलिन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, बहुत ही गुस्से में लग रही है फ्रैंकलिन की गर्लफ्रेंड। छोड़ के चली गई है फ्रैंकलिन को। अरे भाई फ्रैंकलिन, तू अंडरग्राउंड क्या हुआ, तेरी गर्लफ्रेंड ही छोड़ के चली गई यार तुझे। लेस्टर का मैसेज आया है, आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, मीट मी एट डेल पेरो पियर। लेस्टर क्या कहना चाहता है अब, चलो देखते हैं। अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, कुछ पैसा ही कमाने के लिए बोल रहा होगा। चलते हैं अब हम लेस्टर के पास, हमने अपनी बाइक उठा ली है। बट पहले हम चलेंगे एम्युनिशन रेंज में। हमारे पास कई सारे मैसेजेस आते हैं कि कई वेपन और एम्युनिशन भी इंक्लूड हो गए हैं। तो चल के देखते हैं एक बारी कि कौन कौन से नए नए वेपन्स आए हैं एम्युनिशन रेंज में। क्या पता कोई वेपन आगे हमारे मिशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो पहुंच ही गए हैं हम लोग एम्युनिशन रेंज में। यो, हम लोग आ गए हैं। चल के अंदर देखते हैं क्या है नया इंक्लूड हुआ है, जो कुछ आइटम्स हैं जो हमें लेने हैं, जरूरी है वो। एक तो हमारे पास लॉन्ग रेंज राइफल नहीं है, स्नाइपर राइफल ले लेते हैं हम, और कुछ बम वगैरह ले लेते हैं अब, वो भी नहीं है हमारे पास। प्रॉक्सिमिटी माइन, स्टिकी बॉम्ब ले लेते हैं। थैंक यू भाई, हम तुम चलते हैं यहां से सीधा लेस्टर के पास। लेस्टर ने हमको क्यों बुलाया है ये तो वहां जाके ही पता चलेगा। लेस्टर बहुत ही मास्टरमाइंड बंदा है, बीच एरिया में बुलाया है उसने हमें। यहाँ तो बहुत लोग घूम रहे हैं, मजा आएगा इनको डराने में। थोड़ा डराते हैं इन लोगों को, हट जाओ रास्ते से, हट जाओ। कमिंग थ्रू, कमिंग थ्रू। चलो पहुंच गए हैं अब हम अपने डेजिग्नेटेड लोकेशन पे। वेट कर रहे हैं अब हम लेस्टर का। लेस्टर भाई कब आएगा? आ गया भाई, लेस्टर आ गया। अब जरा सुनते हैं क्या कह रहा है ये। I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friends' ideas off and walked around like the Messiah while doing it. But, man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today. Jane Norris ki baat chal rahi hai. Usko uda diya tha. Someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Franklin keh raha hai, ye achha nahi kiya yaar tumne uda karke, udane ki kya zarurat thi? Must the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Mollus. Okay, so there's a new Mollus, sort of a super Mollus. कोई medicine लग रही है ये मुझे. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Brett Lowry, paid off the FDA. And he doesn't care that his hardness pills are medicine giving ही desperate है. Middle-aged men the world over heart attacks. Middle-aged man को heart attack आ रहे हैं medicine खा करके. Mr. Greedy Lowry is staying at Mr. the Greedy Lowry Hotel in Richmond. Of course he'll be well protected, but if he goes Mr. Greedy Lowry ko udana hai humko ja karke pharmaceuticals gets a big
bump in the price of their stock. Beta pharmaceuticals man, get right, a big it, bump in I stocks. अच्छा जी, तो फ्रैंक क्लिन को बोल रहा है ग्रीडी लॉरी को उड़ाने के लिए, और उससे लेस्टर को जो उसने पैसा लगा रखा है स्टॉक्स में उसमें बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा ग्रीडी लॉरी को उड़ाने में। लेस्टर ने शेयर्स खरीद रखे हैं कम पर, और जैसे ही ग्रीडी लॉरी को उड़ाएंगे वैसे ही शेयर्स प्राइस हाई हो जाएंगे और फायदा होगा लेस्टर को। शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहता है लेस्टर। चलो चलते हैं अब हम अपनी लोकेशन पे जहाँ पे हमें ग्रीडी लॉरी को उड़ाना है, असैसिनेट करना है हमको। हम पहुँच गए हैं रिचमैन होटल के सामने वाले पार्किंग लॉट में। गाड़ी हम यहीं पार्क कर देते हैं अपनी। Guards have arrived to pick up the target from the hotel. He is expected to leave very soon. Plan the attack quickly and find a location with a good vantage point of the hotel. तो चलो हमने एक vantage point तो select कर लिया है, सामने ही है हम लोग। अब हमें target करना है, checkout में है हमारा जो target है वो। थोड़ा area को देख लेते हैं अब हम। Okay. दो लोग यहाँ हैं, दो लोग वहाँ थे। गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पर। थोड़ा यहाँ से देखते हैं कुछ नया नज़ारा दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, बस वही सब दिख रहा है। ओके, वैन ये रही। और तो कुछ भी नहीं दिख रहा है जहाँ से हम टारगेट कर सकते हैं। कहाँ से निकलेगा वो, कौन से गेट से निकलेगा हमें पता नहीं है। एक और गाड़ी आई है। लेट्स मूव इट आउट पीपल, वी नीड दिस एरिया क्लियर। गार्ड्स आ गए हैं। ओके, ग्रीडी लॉरी के गार्ड्स आ गए हैं भाई। अब लोग बंदे बाहर आ रहे हैं। ये देखो गाड़ी के पास आके खड़े हो रहे हैं, लगता है वो आने ही वाला है। Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get through. आने ही वाला होगा। Some wannabe hippie waving an anti-globalization sign in my face. आ गया, ये रहा ग्रीडी लॉरी। बाकी सारे उसके गार्ड्स हैं। यही मौका है शूट करने का, सही मौका है। ये लो, हमने इसे शूट कर दिया। गार्ड्स ने हमको देख लिया है। अब हमारा यहाँ से निकलना ही बढ़िया रहेगा। लीव द एरिया। चलो फटाफट निकल जाते हैं यहाँ से। हमारा मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस हमें इस एरिया को लीव करना है। चलो मिशन हमारा पास हो गया, होटल असैसिनेशन, और हमें गोल्ड मेडल मिल गया है इस मिशन में। अरे वाह, मजा ही आ गया यार, जबरदस्त मजा ही आ गया ये तो। लेस्टर से बात करते हैं अब हम। Hey, it's done. लेस्टर क्या कह रहा है? All right, well, shit. Let me know about the next thing. All right, well, shit. But let me know. I'm gonna tell you something. Our investment portfolio is getting a little successful, so I figured we needed some successful tangible assets. Successful हो रहा है. Property. वाह. So we bought a house in the Vinewood अरे Hills. अरे वाह, एक नई yeah, sure, property man, मिली है. You know Vinewood Hills में. And we needed someone to live there for tax purposes, so जो कि हमें दे रहा है, फ्रैंकलिन को शिफ्ट कर रहा है वहां पर। अरे वाह, मजा आ गया, एक नया घर मिल गया हमें। अब हमें अपनी आंट के साथ नहीं रहना पड़ेगा। What a big relief guys, मजा आ गया, नया घर, वो भी Vinewood Hills में। सबसे पॉशेस्ट लोकेशन है ये लॉस सैंटोस की। तो चलो चलते हैं अब हम वहीं, वहां जाके देखते हैं। ये रही हमारी लोकेशन घर की, Vinewood Hills में। सबसे पॉशेस्ट लोकेशन है ये। फ्रैंकलिन हैज बीन मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस इन Vinewood Hills। ओके, चलो चलते हैं। हम उस लोकेशन में तो पहुंच गए हैं, उस एरिया में पहुंच गए हैं। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पर?
अरे एक लेडी सामान उठा के फेंक रही है बंदे का यार, ये तो ये ले भाई तेरा सारा सामान नीचे आ गया। ओहो, दोनों मियां बीवी में लड़ाई चल रही है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चल रही है यहाँ पर। Listen, can you give me a ride? My wife's gone crazy. ले भाई, वाइफ कह रही है कि भाई मिडनाइट में कौन गोल्फ खेलता है, रात को 12 बजे जाके कौन गोल्फ खेलता है। अरे यार, चल चल भाई, तुझे छोड़ देते हैं हम जहाँ तू चाहता है, वैसे तेरी लड़ाई हो चुकी है वाइफ के साथ। गोल्फ क्लब जाने के लिए कह रहा है ये रिचमन एरिया में। अपना सारा सामान जो है वो भी इसने ड्राइववे में छोड़ दिया है। कह रहा नहीं भाई मैं नहीं उठाऊंगा ये सारा सामान, ये फनी कैरेक्टर मिला है हमें लॉस एंटोस के अंदर। I'm Castro. Castro नाम है इसका। Italian, Spanish. Pure wasp, I'm afraid. My sister's called Muffy, so I think I got off lightly. So what was that all about? कैसा रास्ते में फनी बंदा टकरा गया यार हमसे? She thinks I've got another woman on the side. And do you? Oh, असली चक्कर ये है। ये चीट कर रहा है अपनी वाइफ पे और उसे पता लग गया है। भाई चीटिंग वीटिंग ना करा करो, वाइफ लोगों को पता चल ही जाता है कैसे भी करके। चाहे तुम कितने भी डेड ट्रेल छोड़ दो लेकिन तब भी उन्हें पता चल ही जाता है, इसलिए चीटिंग वीटिंग नहीं करनी चाहिए भाई। चलो भाई पहुंच गए हम लोग गोल्फ क्लब में, पहुंच गए, उसे छोड़ देते हैं, हमें कुछ पैसे भी देगा। देखें कितने पैसे देता है ये। Come by the club. I'm here most days. बस सिर्फ $80 दिए। अबे यार, मुझे लगा देगा $500,000, इसकी मदद करी है हमने, $80 दे करके इसने हमें निपटा दिया। लेकिन चलो एक अच्छी बात होगी, अब जब भी हमें गोल्फ खेलना होगा ये बंदा अवेलेबल रहेगा, इसके साथ हम गोल्फ खेल सकते हैं। बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो। अब हम चलते हैं अपने नए घर की तरफ, पहुंच गए हैं हम यहाँ पर। This is Franklin's new safe house. You can save vehicles by parking them in the garage. Oh ho ho ho! कितना आलीशान बंगला है यार ये, जबरदस्त मजे आ गए भाई Franklin के तो, मजे आ गए जबरदस्त यार। अब बाइक भी है हमारे पास, गाड़ी भी है, बंगला भी है। अरे वाह साला, मैं तो साहब बन गया, फ्री में मिल गया हमको ये पूरा बंगला। अरे भाई सोफा देखो घर में, क्या जबरदस्त सोफा है। अरे वाह, ये हमारा लिविंग रूम है, टीवी वीवी लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल ये रही हमारी, ये किचन एरिया आ गया है हमारा, कितना बड़ा किचन एरिया है ये। अरे भाई स्विमिंग पूल भी है घर में। ओ हो, इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जबरदस्त। चलो अब नीचे चल के देखते हैं वहां क्या क्या है, हमारा कमरा कहाँ पर है ये भी देखते हैं। ये रूम तो नहीं खुल रहा हमारा, क्या इंटीरियर्स हैं यार जबरदस्त। अरे वाह, ये सब रूम्स बंद हैं अभी, लॉक हैं। ये है हमारा रूम। अरे भाई कारपेट वारपेट डला हुआ है यहाँ पर। ओहो हो, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त व्यू देखो तुम, सामने स्विमिंग पूल और इतना अच्छा व्यू है वाइनवुड हिल्स का, मजा ही आ गया। चलो चलते हैं अब हम, अपना घर तो हमने इंजॉय कर लिया है, अब चलते हैं लेस्टर के पास, देखते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ और मिशन है या नहीं, चल के देखते हैं गाइस। चलो तो लेस्टर के पास ही हमें जाना है, लगता है एक और मिशन है उसके पास हमारे लिए, देखते हैं कौन सा मिशन है। तो गाइस चलते हैं अब हम लेस्टर के पास, जो कि हमसे ये मिशंस करवा रहा है, हमें नया बंगलो दे दिया उसने रहने के लिए, और परमिशन हमको पैसे मिल जाते हैं बहुत ही तगड़े, तो ज़बरदस्त। बाकी हम शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं।
हमें पेट्रोल पंप पे बुलाया है. Okay, you know Redwood cigarettes? Redwood cigarettes. That built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. Now, there are four corrupt jurors on Redwood's books. Four corrupt jurors on Redwood cigarettes. And we only have a few hours to make them disappear. उन्हें हमें उड़ाना है. Tomorrow morning. Okay. चार लोगों को उड़ाना है. करप्ट लोगों को उड़ाना है. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. Long-range hardware, वो तो हमारे पास है. Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, Debonair cigarettes. से हमको बहुत फायदा होने वाला है, इसलिए हमें वो चार बंदों को उड़ाना है. तो चलो लग जाते हैं हम अपने काम पे. फटाफट हमें जाना है वेस्पुची बीच में, और बॉडी बिल्डर बंदा है जिसको उड़ा देना है हमको. ओके लेस्टर बहुत ही मास्टरमाइंड बंदा है. स्टॉक से बहुत पैसा कमा रहा है यार. ये कम शेयर्स में खरीद लेता है, और जिस कंपनी के स्टॉक्स गिराने होते हैं उसको बंदे को उड़ा देता है, और फिर जिस बंदे के शेयर्स बढ़ाने होते हैं, जिस कंपनी के स्टॉक्स बढ़ाने होते हैं उसके शेयर्स बढ़ जाते हैं, और वो बेच देता है और बहुत फ़ायदा कमाता है. चलो हम पहुँच गए हैं बीच एरिया पे. हमारा टारगेट कहाँ पर है चल के देखते हैं. अरे ये सामने ही है, ओपन जिम मार रहा है ये बंदा. इसको हम दिखाते हैं यहाँ पर. चल भाई हो गया तेरा काम तमाम. हम चलते हैं अपने सेकंड टारगेट की तरफ. हमारा टाइम का काउंटर बढ़ रहा है. हेड नॉर्थ याच ऑफ द कोस्ट ऑफ पैसिफिक बफ्स नियर पाइपलाइन इन. अरे भाई ये तो याच में है बंदा, इसको कैसे उड़ाएंगे. देखते हैं हमारी रेंज में है या नहीं है ये. चलो चलते हैं टेक ऑफ द जरूर. ओके फटाफट से गाड़ी चलानी पड़ेगी हमें, हमारे पास टाइम बहुत कम है. 8 मिनट का टाइम टोटल था. हट जाओ भाई सामने से, हट जाओ यार, जाने दो मुझे. टाइम रहते सबको उड़ाना पड़ेगा. मुझे लगता है इन लोगों को गवाही देनी है या कुछ ऐसा करना है. चलो हमें उससे क्या, हमें तो खाली इन्हें उड़ाना है और फायदा कमाना है हमें. अब हम एक प्रोफेशनल असैसिन बनते जा रहे हैं. पहुंच गए हैं हम अपने एरिया पे. फटाफट से गाड़ी पार्क कर देते हैं अब हम. ओहो हो हो ये बंदा तो बहुत ही दूर है. अरे वाह हमारा स्कोप तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल व्यू में आ रहा है वो. मज़े कर रहा है ये बंदे, लेकिन इसे पता नहीं कि इसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है अब यहाँ पर. बहुत हिल रही है बोट, और ये मार दिया हमने उसे. अब हमें जाना है वेस्ट वाइनवुड इक्लिप्स मेडिकल टावर. लुक फॉर द डर्टी विंडोज. अच्छा जी चलो चलते हैं अब हम वहाँ पर. काफ़ी दूर है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है अब हमें, लेकिन हमारी ड्राइविंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ पर. हम भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है. लेस्टर भी काफ़ी फ़ायदा कमा रहा है, हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में. चलो देखते हैं कैसे स्टॉक मैनेज करते हैं, हमें तो उतनी नॉलेज नहीं है, बट देखना पड़ेगा कि कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं हम. टाइम बहुत ही कम रह गया है हमारे पास, सिर्फ 5.5 मिनट रह गए हैं. अरे हट जाओ यार सामने आ रहे. अरे क्या क्या पागल आदमी है ये. चलो निकलते हैं फटाफट, यहाँ से निकल लेते हैं. ज़्यादा दूर नहीं है अब हमारा टारगेट. इसके बाद एक और टारगेट है जिसे हमें उड़ाना है. गाड़ी पार्क कर देते हैं यहाँ पर.
मैप में तो वहां सामने ही दिख रहा है. लुक फॉर द डर्टी विंडोज. अरे ये बंदा है यार, ये क्या शीशे साफ कर रहा है, ये क्या कर रहा है ये ऊपर. चलो कोई बात नहीं, हमने इसे टपका दिया. अब हमें इन योर जीपीएस नाउ बाइकर वाइनवुड हिल्स लुक फॉर ए वाटी बाइक व्हाट अ मूव. अच्छा बाइक पे है ये बंदा, अब हमें इसे खत्म करना है बाइक कैसे भी करके. ट्रैवलिंग में काफी टाइम जा रहा है हमारा, अभी भी 1.5 किलोमीटर है ये बंदा. पहुंच जाएंगे हम, खत्म कर देंगे इसे. बहुत टाइम है अब हमारे पास, हमने पहले 3 बंदे बहुत जल्दी उड़ा दिए तो ये तो उड़ ही जाएगा फटाफट. और वैसे भी हाईवे पे आ गए अब हम, अब हमारी गाड़ी फटाफट भागेगी. क्या आवाज आ रही है गाड़ी की यार, मजेदार. मजा ही आ गया. चलो चलो पहुंच ही गए अब हम हमारे पास टारगेट के. ये जा रहा बाइक पे, बहुत ही स्लो जा रहा है, आराम से मर जाएगा ये. चलो उड़ा देते हैं इसे. चल भाई हो गया तेरा काम. अरे मरा नहीं. चल अब हो गया तेरा काम. चलो हमने चारों टारगेट. अरे लेस्टर, लेस्टर से बात करते हैं अब हम. लूज द कॉप्स. कॉप्स कहां से आ गए. वेरी गुड, आई विल बी इन टच. चलो भाई लेस्टर को इन्फॉर्म कर दिया हमने, चारों टारगेट उड़ा दिए हमने. अरे ये पुलिस कहाँ से आ गई यार, अब इनको इवेड करना पड़ेगा मुझे, तभी हमारा मिशन कंप्लीट होगा. इनको इवेड करने का सबसे बेस्ट तरीका हमारा ये है कि हम चलते हैं ऊपर पहाड़ियों में. हेलो डियर, हाउ आर यू. यहाँ पहाड़ियों में चढ़ने से हमको फायदा हो जाएगा, जल्दी इवेड कर देंगे हम लोग कॉप्स को, क्योंकि वो लोग यहाँ ढूंढने नहीं आते हमको. चलो यार जल्दी जल्दी हमारा मिशन खत्म होगा यार, हमें पैसे मिलेंगे. और ये सही लोकेशन है, यहाँ वेट करते हैं अब हम. चलो भाई मिशन पास हो गया हमारा, कॉप्स को हमने वेट कर दिया. द मल्टी टारगेट असैसिनेशन कंप्लीट हो गया हमारा. और गाइस ये भी गोल्ड मेडल मिल गया है हमें, जबरदस्त. अरे वाह मजा ही आ गया हमारे को, बहुत ही जबरदस्त मिशन था ये. असैसिनेशन ही असैसिनेशन कर दिया हमने सबका यहाँ पर. लेस्टर के साथ रह करके बहुत फायदा है यार, बहुत पैसा कमाने को मिलता है लेस्टर के साथ. लेस्टर कहीं से पैसा कमाना जानता है. आंटी का क्या मैसेज आया है, चलो देखते हैं जरा. यू ain't been home, I am getting worried. Thought about calling, but you never pick up. अरे भाई फ्रैंकलिन क्या कर रहा है यार, अपनी आंटी का फोन तो उठा ले. ओहो इतना लंबा ईमेल लिखा है आंटी ने हमें. ओहो हो कोई बात नहीं आंटी, अब हम अलग रह रहे हैं, अब हमें टेंशन नहीं है, हम बता देंगे आपको. सही चलो अब हम वो मैसेजेस डिलीट कर देते हैं जो लेस्टर ने हमको भेजे थे. उसने बोला था हमको मैसेजेस डिलीट करने के लिए, तब तो हम नहीं कर पाए. अभी हम ये मैसेजेस डिलीट कर देते हैं, अब हमारे पास टाइम है, हमने मिशन कंप्लीट कर दिया है, ताकि बाद में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो. और कोई मिशन तो नहीं है हमारे पास लेस्टर ने दिया हो जो. नहीं अभी तो हमारे पास कोई मिशन नहीं आया है. चलो सही जबरदस्त. तो गाइस ये था आज का मेरा वीडियो, आज हमने फुल ऑन असैसिनेशन किया है. आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज आपको बना करके आपके सामने ला सकूं. तो गाइज आज के एपिसोड में इतना ही. द नाइल्स कॉम साइन इन ऑफ.